पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे लिस्ट क्या होता है, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन मतलब लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट के साथ काम कैसे करते हैं, सिंटैक्स भी हम देखेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच वी कैन स्टोर एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग, फ्लॉट, इंटीजर, बुलियन, सो मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यू वी कैन स्टोर इन लिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, ठीक है, जिसको आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ आइटम्स हम इसलिए बोलते हैं लिस्ट को क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल लिस्ट के अंदर रख सकते हैं कलेक्ट करके, और लिस्ट के एलिमेंट्स को ही हम आइटम बोलते हैं। और लिस्ट की खासियत क्या होती है कि इसमें हम अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं एक सिंगल लिस्ट के अंदर, जैसे स्ट्रिंग, फ्लॉट, इंटीजर, बुलियन, जो भी वैल्यू आप चाहें लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो यही होता है लिस्ट। और लिस्ट को डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है लिस्ट बनाने का, आपको यहाँ पे लिस्ट का एक नेम लेना है जो कि वेरिएबल का नेम होगा, कुछ भी ले सकते हैं आप। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। और अलग अलग टाइप का एलिमेंट आप रख सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपको इतना बताया था लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, अभी हम देखेंगे कि लिस्ट के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको याद क्या रखना है, वी राइट द आइटम ऑफ द लिस्ट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम लिस्ट के आइटम को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, तभी वो लिस्ट कंसिडर किया जाएगा पाइथन में। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कोमा, और जो भी आइटम होगा वो कोमा से सेपरेटेड होगा। जैसे एक इंटीजर वैल्यू हुआ 10, उसके बाद मान लीजिए एक फ्लोट वैल्यू लेना है तो कोमा 10.2, इस तरीके से, ठीक है, कोमा से सेपरेट होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ करता है लिस्ट, लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं। म्यूटेबल नेचर का होता है लिस्ट, मतलब इसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। अभी लिस्ट के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू उसमें इंसर्ट करके दिखाएंगे लिस्ट में, फिर हम इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर लिस्ट में कितने आइटम्स है वो काउंट करके दिखाएंगे, अपेंड करके दिखाएंगे लिस्ट को, पॉप, इंसर्ट, एक्सटेंड, सॉर्ट, रिवर्स, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट कंप्रेशन, कॉपी, लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट का लेंथ भी फाइंड करके हम दिखाएंगे। तो इन सभी ऑपरेशंस को हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट के सारे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स में मैंने आपको क्या बताया था, लिस्ट नेम, तो यहाँ पे मैं एक नेम लेता हूँ लिस्ट वन, देन इक्वल, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है जिसे आप एक एम्प्टी लिस्ट कहेंगे, यानी खाली लिस्ट, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू डाला ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लिस्ट वन है ये सच में एक लिस्ट है कि नहीं। तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करूँगा टाइप, और इसके अंदर मैं पास करूँगा लिस्ट वन, कंट्रोल एस करूँगा, और अगर मैं इसे रन करूँ और वहाँ पे टाइप में इसका लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में लिस्ट दिख चुका है, यानी हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि लिस्ट में मैं आपको कुछ वैल्यू भी डाल के दिखाऊं और उसे प्रिंट करके दिखाऊं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा लिस्ट टू और स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू भी मैं असाइन करके दिखाऊंगा, जैसे 10, देन एक स्ट्रिंग में डालता हूँ अंकित, देन मैं एक बूलियन वैल्यू डालता हूँ ट्रू, 15.5, फिर मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ अंकुश, और एक और वैल्यू डालता हूँ 10। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट में हम हर टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी मैंने सबका यूज़ कर लिया है। मैंने इंटीजरिक लिया है, स्ट्रिंग वैल्यू लिया है, बुलियन वैल्यू लिया है, फ्रैक्शनल वैल्यू लिया है, देन स्ट्रिंग अगेन लिया है, और यहाँ पे एक और इंटीजर वैल्यू लिया है। और तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और फर्स्ट पोजीशन पे हमने 10 लिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखूँगा प्रिंट और लिस्ट टू, और इस प्रीवियस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट टू में जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लिस्ट एक और तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे इसे असाइन करना होगा, तो मैं असाइन करता हूँ लिस्ट थ्री में। अब मैं अगर लिस्ट थ्री को उसका टाइप जानना चाहूँ तो हम जान सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप लिखूँगा, और उसके अंदर अगर मैं पास करूँ लिस्ट थ्री, कंट्रोल एस करूँ और इसे रन करूँ तो टाइप में हमें दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी टाइप हमें लिस्ट दिखा रहा है, यानी जो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करके लिस्ट बनाया है ये भी एक लिस्ट वेरिएबल है, यानी हमने लिस्ट फंक्शन यूज़ करके भी आपको एक लिस्ट बना के दिखाया है। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि मैं चाहता हूँ कि अंकित प्रिंट हो, लिस्ट टू में अंकित प्रिंट हो। इसे सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ और इस वाले को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंकित को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है अंकित को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में ऑलरेडी लिस्ट टू लिख रखा है। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, इंडेक्स यूज़ करके मैं अंकित प्रिंट करूँगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी 10 जीरो पोजिशन पर है, देन अंकित 1 पोजिशन पर है, 2 पोजिशन पर ट्रू है, देन ये 3 पोजिशन पर, इसी तरह से हमारा इंडेक्सिंग चलता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है अंकित को प्रिंट करना, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा 1, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं अगर इसे रन करूँ और आउटपुट में अंकित मिले तो आप समझ जाना ये क्या, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है लिस्ट टू, अब ये देगा हमें प्रॉपर आउटपुट, यहाँ पे अंकित प्रिंट करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंकित प्रिंट करके दे दिया है। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्स यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर देख सकते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं अंकित, इस बुलियन वैल्यू ट्रू और इस 10.6 तीनों को साथ में प्रिंट करूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कॉलन लिखूँगा और मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है 10.6 तक, तो 1, 2, 3 मुझे लिखना होगा, 4 एक इंडेक्स बढ़ा के लिखना होगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे इसे कहते हैं स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो हमें अंकित ट्रू और 10.6 आप देख सकते हैं प्रिंट में मिल चुका है। ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स 4 दिया है, इंडेक्स 4 में वैल्यू क्या है, इंडेक्स 4 में वैल्यू है अंकुश। आप कहेंगे ये अंकुश प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्लाइसिंग जो होता है वो -1 तक काम करता है, यानी जो भी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे जस्ट -1 यानी 3 वहाँ तक ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तो हमें 3 वैल्यू प्रिंट में मिल चुका है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट के कुछ मेथड्स। तो पहला मेथड होता है काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है, मान लीजिए हमारे इस लिस्ट में कुछ आइटम है, ठीक, मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस अंकुश को मुझे बताओ कि हमारे लिस्ट में अंकुश आइटम कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा लिस्ट टू डॉट काउंट, और मुझे किसको काउंट करना है, अंकुश को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंकुश, इसे सेव करूँगा और रन करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट में अंकुश 1 टाइम है। अगर अंकुश के जगह पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ करके 10, इसे सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में 10 2 टाइम्स है। तो काउंट मेथड काउंट करके बताता है कि हमारे लिस्ट में कौन से आइटम कितने टाइम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड मान लो मुझे इस 10.6 का इंडेक्स पता करना है कि इसका इंडेक्स पोजिशन क्या है, तो मैं इस इंडेक्स मेथड यूज़ करके इसका पोजिशन पता कर सकता हूँ। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट,
यहाँ पे काउंट की जगह पे मैं करूँगा इंडेक्स मेथड को कॉल, और किसका इंडेक्स मुझे पता करना है, 10.6 जो हमारा वैल्यू है इसका मुझे इंडेक्स पता करना है। कंट्रोल एस करा, अब मैं इसे जब रन करूँगा तो ये इंडेक्स पोजीशन 3 पे प्रेजेंट है, 0 पे 10 है, 1 पे अंकित है, 2 पे ट्रू है, देन 3 पे हमारा 10.6 है। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन चाहता हूँ 10 का पता करना, तो 10 का अगर इंडेक्स, और मैं कंट्रोल एस करके इसे रन करता हूँ, तो ये बता रहा है 10 का इंडेक्स पोजीशन 0, जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिस्ट में 10 यहाँ पर भी है, तो मैं इसका इंडेक्स पोजीशन जानना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कोमा देके 1 लिखना होगा, मतलब इस 0 पोजीशन को छोड़ दो, उसके बाद तुम सर्च करना स्टार्ट करो कि लिस्ट में 10 आइटम है कि नहीं। अब मैं अगर सेव करके इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बताया 5, हमारे लिस्ट में 10 प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 5 पे, तो इसने बता दिया। अब अगला मेथड हमारा क्या है, अगला मेथड है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट मेथड क्या करता है, मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं कुछ और एलिमेंट को अपने लिस्ट 2 में इंसर्ट करना चाहता हूँ, और रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अपने मन चाहे पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं इस अंकित स्ट्रिंग के बाद एक और स्ट्रिंग इंसर्ट करूँ, तो हम इस इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, किस में इंसर्ट करना है, लिस्ट 2 में, तो लिस्ट 2 में क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट। किस पोजीशन पे करना है, इंडेक्स नंबर 2, क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो मैं लिखूँगा लर्न कोडिंग। ये इंसर्ट मेथड मैं आपको बता दूँ कि 2 पैरामीटर लेता है, पहला होता है इंडेक्स पोजीशन, देन दूसरा होता है जो भी आइटम आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो। अब मैं अगर प्रिंट करूँ, मैं प्रिंट करूँ, किसे प्रिंट करूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लिस्ट 2 को, और इस वाले को मैं कमेंट कर देना चाहता हूँ, और मैं सेव करूँ, और अगर मैं रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकित के बाद लर्न कोडिंग इंसर्ट हो चुका है। तो आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी आइटम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है डिलीट करने का, तो डिलीट करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, अगर आप चाहें तो कुछ भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, यानी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे लिस्ट 2 से क्या करनी है, लिस्ट 2 से पॉप करना है, यानी डिलीट करना है। किसको करना है, जस्ट आपको इंडेक्स पोजीशन देना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो लर्न कोडिंग है वो डिलीट हो जाए, तो लर्न कोडिंग का इंडेक्स पोजीशन क्या था, 2 था, तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूँगा, और देन इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एस। यहाँ पे आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट किया ही नहीं, जब हम प्रिंट करेंगे नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब मैं कहता हूँ कंट्रोल एस और इसे सेव करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं लर्न कोडिंग, यहाँ पे लर्न कोडिंग था और यहाँ पे लर्न कोडिंग नहीं है जो मैंने अभी जस्ट रन करा है। तो पॉप मेथड क्या करता है, डिलीट करता है किसी भी पोजीशन के आइटम को, जस्ट आपको यहाँ पे इंडेक्स देना होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स दूँ ही नहीं और रन करूँ तो ये क्या करता है, ये डिलीट करता है लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकुश के बाद 10 था, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं 10 नहीं है, लास्ट वाले एलिमेंट को ये बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करता है अगर हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं देंगे तो। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की ओर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, एक्सटेंड मेथड। उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, हमारा मेथड का नाम क्या है, एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड मेथड करता क्या है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिस्ट 2 के एंडिंग में कुछ और आइटम्स जो है वो इंसर्ट हो जाए, तो हम इस एक्सटेंड मेथड की मदद से कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक और लिस्ट बनाना होगा, मैं बना लेता हूँ लिस्ट 3, यहाँ पे कुछ आइटम इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं कर लेता हूँ अंकुश, देन मैं एक और स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ अंकित, ठीक है। लिस्ट 3 पे मैंने 2 स्ट्रिंग आइटम डाल दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों स्ट्रिंग है ये हमारे लिस्ट 2 के एंडिंग पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाए,
अब हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड मेथड का। तो मैं कहाँ पे एंडिंग किसके एंडिंग पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, लिस्ट टू के। तो लिस्ट टू के एंडिंग पोजीशन पे एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ मैं। क्या एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, लिस्ट थ्री के जो भी एलिमेंट है, जो भी आइटम है, वो हमारे लिस्ट टू में चले जाएँ। लिस्ट थ्री के जो भी एलिमेंट हो एक्सटेंड होके कहाँ चले जाएँ, लिस्ट टू पे, ये मैं चाहता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ लिस्ट टू कंट्रोल एस करूँ और मैं इसे अगर रन करूँ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों एरर आ रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अंकुश के बाद 10 था, उसके बाद यहाँ पे दो एलिमेंट यानी दो आइटम ऐड हो चुके हैं लिस्ट टू के एंडिंग पोजीशन में 10 के बाद। आप देख सकते हैं ये जो अंकुश और अंकित स्ट्रिंग था वो ऐड हो चुका है, और मैंने प्रिंट क्या किया है, मैंने प्रिंट किया है लिस्ट टू, यानी सक्सेसफुली हमने एक्सटेंड करा दिया है। अब हम अपने अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉपी मेथड। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मेथड का नाम क्या है, कॉपी। कॉपी मेथड करता है क्या है कि एक लिस्ट के आइटम को दूसरे लिस्ट में कॉपी करके प्रिंट करवाता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को कहा गया कि लिस्ट टू में जितने भी आइटम हैं एक नई लिस्ट क्रिएट करो और उसमें भी सेम आइटम डाल दो। तो हम जैसा लिस्ट टू को क्रिएट किए हैं सेम वैसे तो करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए हम कॉपी मेथड का यूज़ करके इजीली इसके सारे आइटम को उसमें कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे किसके आइटम को कॉपी करना है, लिस्ट टू के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट टू डॉट क्या करना है, कॉपी करना है, तो मैंने कॉपी कर लिया। अब असाइन करता हूँ मैं एक न्यू लिस्ट में लिस्ट थ्री। तो लिस्ट टू के जितने भी आइटम थे वो लिस्ट थ्री में सक्सेसफुली असाइन हो चुके हैं। अब अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ, और प्रिंट में मैं इस बार करूँगा लिस्ट थ्री को प्रिंट, ठीक है, कंट्रोल एस मैंने करा, रन करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे जितने भी आइटम थे वो प्रिंट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट टू पे जितने भी आइटम थे वो मैंने प्रिंट किया है लिस्ट थ्री, तो यहाँ पे सारे आइटम प्रिंट होके दिख रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका है कॉपी करने का, वो तरीका ये है कि हमें यहाँ पे डॉट कॉपी ना लिखने के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे कॉलोन देना है, ठीक है। और अगर मैं लिस्ट थ्री को फिर प्रिंट करूँ सेव करके, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डाउट होगा कि ये कैसे हो गया, यहाँ पे कॉलोन के लेफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है 0 और राइट में इंडेक्स होता है n-1, यानी ये 0 से स्टार्ट करता है और जितने भी आइटम हमारे लिस्ट में रहेंगे वो लेते हुए जाएगा, यानी सर्च करते हुए जाएगा लास्ट तक एकदम, ठीक है। तो हमें ये लिखने का ज़रूरत नहीं है इस तरह से, हम सिर्फ कॉलोन दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट के आइटम को कॉपी कर सकते हैं, एक लिस्ट के आइटम को दूसरे लिस्ट में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं और लिखते हैं सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट मेथड क्या करता है, हमारे लिस्ट में जो भी आइटम रहेंगे उसको आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, यानी सॉर्ट करता है। तो हमारे पास लिस्ट टू में ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉर्ट करते हैं। तो हम किसको सॉर्ट कर रहे हैं, लिस्ट टू को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट टू डॉट क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो हमने लिखा सॉर्ट, फंक्शन लिख दिया हमने। अब हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट टू को, ठीक है, हमने प्रिंट किया लिस्ट टू को, मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जाके मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आया है, एरर क्या है, टाइप एरर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लिस्ट है, लिस्ट में देखिए हमने हर तरह का आइटम लेके रखा है। अब आप ही बताओ ये जो सॉर्ट मेथड है वो इस 10 और इस स्ट्रिंग को किस आधार पे कंपेयर करके सॉर्ट करेगा, ये तो दो अलग अलग तरह की वैल्यू हो गई।
इसीलिए यहाँ पे एरर क्या है, टाइप एरर है कि लेस देन, इसलिए बता रहा कि हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए मेरा सॉल्यूशन क्या है, हमारा सॉल्यूशन ये है कि हमें एक तरह की वैल्यू बनानी होगी। तो एक तरह की वैल्यू बना लेते हैं हम, ठीक है। देन और वैल्यू हम लिखते हैं, हमने वैल्यू लिख दिया सब, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस और करता हूँ इसे रन। तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिया है, यानी छोटा से बड़ा। अब किसी ने मुझे कहा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो उसके लिए कोई डिसेंडिंग नाम का फंक्शन नहीं है, यानी कोई मेथड नहीं है जो हम डिसेंडिंग करेंगे, या फिर डी सॉर्ट नाम का। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा रिवर्स इक्वल ट्रू, रिवर्स इक्वल ट्रू हमने लिखा। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करके हमें दे दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है, हमारा ये जो वैल्यू है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड। तो सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं और हमारा मेथड क्या है, रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है कि सपोज़ करिए हमारे लिस्ट टू पे जो भी वैल्यू है, यानी जो भी आइटम है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। यानी स्टार्ट करेगा वो जीरो से, देन 134, 130 या 10, ठीक है। तो करते हैं, तो हमें क्या करना है, लिस्ट टू के आइटम को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन का सिंबल। तो आप प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट भी हम लिस्ट टू को ही करेंगे, तो हम लिखेंगे लिस्ट टू, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है। स्टार्ट हुआ 0, 134, 130, 10, तो इसने उसी ऑर्डर में प्रिंट करके हमें दिया है। अब हम आपको चलिए बताते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, यानी कैसे करते हैं हम लिस्ट को कॉम्प्रिहेंस। उससे पहले हम आपको नेक्स्टेड लिस्ट बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्टेड लिस्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकुश, ठीक है। अभी और मैं लिस्ट के अंदर और भी हम लिस्ट बना सकते हैं, जैसे फिर मैं कोमा दे के और लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो फिर से हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं अंकित, इसको आप नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं या लिस्ट इनसाइड लिस्ट, जो भी करना चाहे आप कह सकते हैं। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लिस्ट टू को, हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने और रन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया। यानी लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको कोई बोले कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के दिखाओ तो, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन लिस्ट बनाया है, फर्स्ट ये बड़ा वाला लिस्ट, देन यहाँ पे एक जिसकी बॉडी यहाँ एंड हुई है, देन ये अंकित वाला, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिकल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने इस लिस्ट से ये सारे डेटा रिमूव कर देता हूँ, स्ट्रिंग वाले डेटा में ही हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। और मैं यहाँ पे और बहुत सारे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे लेता हूँ नोमान नाम की स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, और यहाँ पे रोहित नाम का एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ। मैंने सिंपल लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने भी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम प्रिंट होने चाहिए, बाकी के नहीं। तो वो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एग्ज़ाम्पल लेके आपको करके दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा, लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक एक लाइन आपको ड्राई रन करूँगा। फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट टू, इफ वर्ड स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स विथ ए, इफ वर्ड स्टार्ट्स विथ ए देन मार्क दैट वर्ड, कंसीडर दैट वर्ड, ओके, एंड स्टोर इन टू न्यू वेरिएबल, स्टोर इन टू न्यू वेरिएबल ए। नाउ आई एम प्रिंटिंग दिस वेरिएबल हेयर, ओके। कंट्रोल इससे हमने सेव करा,
और यहाँ पे हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, वो दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस लाइन का मतलब समझिए, फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट टू, यानी लिस्ट वर्ड में जितने भी आइटम हैं जाओ और देखो, इफ़ अगर वो वर्ड स्टार्ट होते हैं ए से तो उसको कंसीडर करो वर्ड, ठीक है, और उसे हम स्टोर करा रहे हैं ए में। और मैंने जब ए को प्रिंट किया तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले जो स्ट्रिंग थे यानी नेम थे वो प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके ए एन के यू कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो अब सिर्फ अंकुश प्रिंट होना चाहिए, अब सिर्फ अंकुश प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अंकुश प्रिंट करके दिया इसने। अब हम आपको बताते हैं लिस्ट अनपैकिंग। लिस्ट अनपैकिंग क्या होता है? सबसे पहले इसे हम रिमूव करते हैं और अपने लिस्ट को छोटा करते हैं, ठीक है। लिस्ट अनपैकिंग मतलब सपोज़ करिए हमारे लिस्ट में दो स्ट्रिंग है अंकुश अंकित, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n1, n2, और लिस्ट टू में जो दो स्ट्रिंग है मैंने यहाँ पे एक n1 और एक n2 बनाया है। अब चेक करते हैं इसको, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट किया मैंने n1, देन अब हम प्रिंट करते हैं n2, ठीक है, मैंने n2 प्रिंट कर दिया। कंट्रोल एस करके सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकुश प्रिंट हुआ है यानी n1 में अंकुश प्रिंट हुआ है, देन अंकित प्रिंट हुआ है यानी n2 में अंकित प्रिंट हुआ है। तो लिस्ट टू में दो स्ट्रिंग थे, दो आइटम थे अंकुश अंकित, इसी को कहते हैं लिस्ट अनपैकिंग, यानी लिस्ट टू के एक आइटम चला गया n1 में, अनपैक हो गया मतलब टूट गया, और दूसरा चल गया n2 में, ठीक है। तो हमने जब n1 और n2 को प्रिंट किया तो वो अलग अलग एक एक आइटम को ले लिया दोनों ने, पहले वाले ने लिया अंकुश को, देन अंकित को लिया सेकंड वाले n2 ने, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लिस्ट अनपैकिंग। तो आई होप आपको लिस्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है लिस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।